हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भूटान का पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा, जहां पे 2 दर्जन से भी कम पायलटों को विमान उतारने की इजाजत है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति दुनिया के तमाम दूसरे देशों को हमेशा से ही लुभाती आ रही है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वही इसका नाम द्रक्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली बार विदेशी पर्यटकों को घूमने की आज़ादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। आज लाखों की तादाद में लोग भूटान की सुंदरता, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए जाते हैं। भूटान का पारो एयरपोर्ट कुदरती तौर पर जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। बड़े विमान बनाने वाली मशहूर कंपनी बोइंग ने इसे दुनिया के मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट में शुमार किया है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाने और लैंडिंग का एक्सपीरियंस रखने वाले कुशल पायलट ही यहाँ विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ कुछ पायलट ही पारो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए क्वालिफाइड है। इसलिए है खतरनाक ये एयरपोर्ट। ऊंचे पहाड़, तेज हवाएं और छोटा रनवे। भूटान हिमालय की गोद में बसा देश है। पारो एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमानों को सीधे खड़े पहाड़ों के बीच से गुजरना होता है। 18,000 फीट तक ऊंचे इन पहाड़ों पर बीच बीच में घर भी बने हुए हैं। यहाँ रनवे दूर से नजर नहीं आता। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए पायलट को अचानक रनवे दिखाई देता है। ऐसे में विमान पर कंट्रोल रख पाना मुश्किल होता है। इस इलाके में अक्सर तेज हवाएं चलती रहती है, जिनके कारण प्लेन का बैलेंस बनाए रखने के लिए पायलट को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। लैंडिंग के वक्त यह और भी मुश्किल हो जाता है। पारो एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 6,500 फीट लंबा है। यह दुनिया के कुछ सबसे छोटे रनवे में शामिल है। यह बात भी पायलट की मुश्किल बढ़ाती है। यहाँ जाने के लिए बेहद कड़े हैं नियम कायदे। यहाँ सिर्फ दिन में ही लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत है, वह भी मौसम साफ रहने पर। विशेष परिस्थितियों में नाइट टाइम फ्लाइट के दौरान रोशनी की भरपूर व्यवस्था रहती है। रोशनी इतनी रखी जाती है कि पायलट अपनी आंखों से देखकर निर्णय ले, न कि मशीनों के भरोसे। यह भूटान का अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बुद्धा एयरलाइंस ही एकमात्र एयरलाइंस है जो यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है। आमतौर पर लोग छोटी फ्लाइट या सड़क मार्ग के जरिए भारत जैसे पड़ोसी देशों के एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फिर वहाँ से उड़ान भरते हैं। यह पारोचू नामक नदी के किनारे बसे पारो कस्बे के पास स्थित है। हर साल औसतन 30,000 टूरिस्ट इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम पायलटों को भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के लिए प्रमाणित किया जाता है। सबसे पहले हवाई अड्डे में विमानों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई रडार ही नहीं है। अनुभवी पायलटों और विमान निर्माताओं द्वारा डिजाइन की गई लैंडिंग के लिए प्रक्रियाओं के अनुसार पायलट को पूरी तरह से मैनुअल मोड पर उड़ान भरने की जरूरत होती है। पायलट निर्दिष्ट करते हैं कि विमान को किस गति और ऊंचाई पर विशिष्ट दृश्य लैंडमार्क चेक पॉइंट पर होना चाहिए। इन कारणों से उड़ाने केवल दिन के उजाले के दौरान और अच्छी दृश्यता के दौरान अनुमति दी जाती है, और अक्सर बादलों के कारण इन्हें डाइवर्ट किया जाता है। पायलट को पहाड़ पर बिजली की खंभे और घर के छतों को देखने की भी जरूरत है। शुरुआत में भारतीय सेना के लिए पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुरू में भूटान की शाही सरकार की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑन कॉल हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एक हवाई पट्टी के रूप में बनाया गया था। डुकरेर एयरलाइन, जिसे रॉयल भूटान एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास है एकदम नया A320 नियो, जो दो एयरलाइंस पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है। रॉयल भूटान एयरलाइंस के नाम से इसे जाना जाता है। उसके पास सेवा में 5 विमान है। डिक्लेयर एयरलाइंस के पास 25 भूटानी पायलट है, साथ ही उनके चालक दल में 10 प्रवासी पायलट भी शामिल है। उनमें से केवल कुछ को ही पारो में विमानों को उतारने के लिए प्रमाणित किया गया है। पहली भूटानी महिला कप्तान उदयन डेमा है, जो 2006 में डिक्लेयर में शामिल हुई थी। तो इन सभी कारणों की वजह से भारत के पड़ोसी देश भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।